सबसे पहले बात करते हैं मीटिंग मंथन और मरुधरा की। दरअसल दिल्ली में यही चल रहा है। अदिति नागर की रिपोर्ट राजस्थान को लेकर एआईसीसी में महत्वपूर्ण बैठक जारी है। करीब 3 घंटे से महामंथन जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, सुखजिंदर रंधावा मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। इससे इतर सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, रघु शर्मा बैठक में मौजूद हैं। मंत्री, विधायक, सीनियर नेताओं समेत 28 नेता बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान में चुनावी रणनीति, चुनौतियों को लेकर मंथन हो रही है और संभवतः आज नहीं आएगा बैठक में कोई बड़ा फैसला। सिर्फ विधानसभा चुनाव पर विस्तृत चर्चा की जा रही बैठक में राहुल गांधी की टीम द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर विस्तृत चर्चा हो रही है। इस बार कांग्रेस राजस्थान में विकास और योजनाओं के दम पर लड़ेगी चुनाव। सभी नेताओं को बैठक में 5-5 मिनट बोलने का समय दिया जा रहा है। राहुल गांधी प्रदेश के नेताओं से 1-to-1 फीडबैक ले रहे हैं। सचिन पायलट के रोल को लेकर नहीं होगी इस बैठक में कोई भी चर्चा। पायलट को लेकर अलग से 5 लोगों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री गहलोत भी उस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। कांग्रेस आलाकमान का राजस्थान में सरकार रिपीट कराने पर फोकस है। सितंबर से राहुल गांधी गुजरात के पोरबंदर से नॉर्थ ईस्ट तक निकालने जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, और इसीलिए राहुल गांधी राजस्थान के मामले को जल्द सुलझाने के मूड में है। प्रदेश प्रभारी रंधावा भी दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दिल्ली न्यूज एडिटर और हमारी सहयोगी अदिति नागर दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, 2 बजे मतलब दोपहर, और इन दोपहर में क्या वाकई में वो 2 बड़े मुद्दे सामने आ पाए जिनका इंतजार वैसे तो 25 सितंबर से था, लेकिन सितंबर से जुलाई तक पहुंचते पहुंचते अभी भी जानकारी है कि भाई एक और तारीख आगे आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन देखिए कांग्रेस की अपनी परेशानी यही है, आज का जो बैठक है उसका एजेंडा शुरुआत से क्लियर था कि आज के दिन कांग्रेस जो है, आलाकमान जो है, उन्होंने अलग अलग तरीके से फीडबैक लिए हैं। जैसे कर्नाटक चुनाव के दौरान सुनील जो उनके सबसे करीबी हैं उनका फीडबैक लिया था कि कितनी सीटें आ पाएंगी, ठीक उसी तरह अभी भी फीडबैक ले रहे हैं। फिर यहाँ पर जो राजस्थान में जब से राहत कैंप आया है, MRC काम कर रहा है, नरेश अरोड़ा जब से काम कर रहे हैं तब से बदलाव देखने को मिला है। लेकिन इसके अलावा जो आज इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो यही है कि हमने जो तमाम फीडबैक लिए हैं हम अपने घर के लोगों से भी लेना चाहते हैं। जितने 28 लोग आए, भले ही वो पिक एंड चूज पॉलिसी से आए, पर जितने ही 28 लोग जो अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं उनसे 5-5 मिनट ये पूछा जाएगा कि वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य के लिए उस स्थिति को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके इलाके का असेट क्या है, सरकार की योजना सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस या सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किस योजना की है, उसको और कैसे जनता तक ले जाया जाए, इन शॉर्ट उसको कैसे मार्केट किया जाए, मार्केटिंग कैसे हो, तमाम कमियों के बारे में, खामियों के बारे में, असेट्स के बारे में बातचीत होगी। यानी कि हम वर्तमान की स्थितियों पर चर्चा करके फ्यूचर में क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं, भविष्य में रणनीति क्या बना सकते हैं, चर्चा सिर्फ उसी पर है। छत्तीसगढ़ में भले ही डिप्टी सीएम बना दिया गया था इस बैठक के बाद, तो एक राजनीतिक निर्णय हुआ था, इसी के बाद से ये उम्मीद थी कि राजस्थान की बैठक में भी कुछ ना कुछ जरूर होगा, और कांग्रेस तो अनएक्सपेक्टेड है, हो भी सकता है, लेकिन फिर भी जो इतिहास है कि आज कोई बड़ा फैसला शायद ना आए, वो इवेंचुअली आ जाए, क्योंकि तय तो काफी कुछ पहले ही हो गया है। जब तस्वीर साझा हुई थी, सचिन पायलट ने अशोक गहलोत दोनों की तस्वीर आई थी, तब तय तो हो ही गया था कि चुनाव कैंपेन कमेटी का वो चेहरा होंगे, CWC में आ सकते हैं, तमाम ऐसी चीजें। लेकिन आज के दिन सभी लोग अपनी बात यहां पर रख रहे हैं और मिनट्स ऑफ द मीटिंग तैयार हो रही हैं, और उसके बाद आगामी बाहर का फीडबैक, घर के फीडबैक के बाद आगामी रणनीति तैयार होगी। लेकिन आयरनी क्या है, आप अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विजेंद्र, तो रंधावा जी बोलने वाले हैं कि संगठन की मजबूती है, चुनाव हम जीत रहे हैं, राहुल गांधी के सामने हमने एकजुटता सिखाया कि हम चुनाव में और बेहतर करेंगे, राहुल गांधी खुश हैं, कार्यकर्ता ऐसे हैं, तमाम इस तरह की बातें होने वाली हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। लेकिन सवाल यह है कि संगठन है कहाँ, आपने नियुक्तियां तो की नहीं है, 4.5 साल बीत गए हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने आपको पिछली बार जिताया था आप उनको आखिरी में कोई ना कोई पोस्ट देके फिर काम करवाना चाहते हो, तो प्रॉब्लम वहां है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। तो बैठक तो इसीलिए, लेकिन जो जयपुर में बैठे कार्यकर्ता नेता राजस्थान के हैं उनको उम्मीद तो एक ही बात से है
कि कोई फैसला आए क्या ऐसी, भले ही तस्वीर एक साथ आ गई है लेकिन हल्के फुल्की बयानबाजियां आती रहती हैं। तस्वीर कभी भी एकजुटता वाली आती है। शायद राजस्थान देख देख कर गिनना भूल गया कि कितनी बार एकता की तस्वीरें आ चुकी हैं। लेकिन आपने कहा कि भाई राहुल गांधी को खुश करने के लिए सबने कहा कि हम सब एक हैं, फिर से रिपीट करेंगे। अब सवाल यह कि राहुल गांधी तो खुद कांग्रेस के एक सदस्य मात्र हैं, तो क्या वो सुपर प्रेसिडेंट हैं? हाँ देखिए, इनविजिबल प्रेसिडेंट इसलिए भी मान सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा, पूरा कांग्रेस का तंत्र है वो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ गया था उसको सक्सेस बनाने के लिए। सभी लोगों ने, चाहे फिर मीडिया प्रभारी हो, सांसद हो, बड़े जनरल सेक्रेटरीज हो, सबने अपना अपना काम छोड़कर, और एक खास बात और, अपना अपना काम छोड़कर राहुल गांधी के साथ 3 महीने यात्राओं पे थे। जिन्होंने जितना ज्यादा टाइम बिताया, जितने किलोमीटर साथ में चले, वो आज राहुल गांधी के क्लोज ग्रुप में हैं। राजस्थान में भी माना जा रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा में रहे उनको आगे प्रायोरिटी मिलेगी। यानी कि आप अपने अपने पद पे जिस पे भी हो उसका काम छोड़ के आप भारत जोड़ो यात्रा को सक्सेस बनाओ, तो वो इनविजिबल प्रेसिडेंट या भावी, जैसे बोल सकते हैं, गद्दी के दावेदार या तमाम चीजें मांग सकते हैं। जैसे कि सितंबर में एक बार फिर भारत जोड़ो पार्ट 2 शुरू हो रही है, पोरबंदर से शुरू होगी, नॉर्थ ईस्ट तक जाएगी, उसकी भी तैयारियां हैं। पर फिलहाल ये बैठक पहले भी हो सकती थी, हालांकि उसके कैंसिल होने के कारण कुछ और थे। पहले 27-28 को होनी थी, फिर डेट आई कि 1-2 को हो जाए, फिर ये हुआ कि 3 को होगी, फिर 3 को मुख्यमंत्री के पैर में फ्रैक्चर हो गया तो अब 6 को हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे सेफली यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी यूएस से लौट आए फिर ही बैठक करेंगे। यानी कि हर बैठक में राष्ट्राध्यक्ष का होना जरूरी होता है, संगठन महामंत्री का होना जरूरी होता है, जो कि किसी पर, यहाँ पर एक और व्यक्ति का होना जरूरी होता है जो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा फैसले का कोई रोल नहीं है, फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे, लेकिन राहुल गांधी के बिना बैठक नहीं होती। ऐसे में मैंने जो आपसे कहा वो मैंने उम्मीदों के आधार पे कहा कि जो प्रभारी रंधावा है वो यही कहेंगे कि पार्टी तो एकजुट है, संगठन बढ़िया है, चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन कैसे, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है, इनको ये पता है कि हमारे चुनाव की जीत का रास्ता वो योजनाएं, वो राहत कैंप, और जो पिछले 5 महीनों में जो माहौल बदला है वही है। लेकिन फिर भी जो ये बैलेंसिंग को लेकर तो कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, उनके चेहरे को राजस्थान में सबसे ज्यादा योजनाओं के बाद स्वीकार्य किया जा रहा है। लेकिन एक और, जिस फैसले का इंतजार बार बार किया जाता है, क्या उसको कांग्रेस पूरे तरीके से डाइल्यूट कर चुकी है? मैं डाइल्यूट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कार्यकर्ता पहले कह रहे थे कि भाई ये होगा नहीं होगा तो फिर ये होगा, अब उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि वो चुनावी साल में उतर रहे हैं। अब कोई बड़ा फैसला होता है नहीं होता, उससे क्या वाकई में जमीन पर कोई बड़ा असर दिखाई देगा? देखिए, कांग्रेस तो देरी कर ही रही है, जैसे भाजपा में देरी हो रही है कोई एक डिसाइसिव चीज ना हो के, लेकिन भाजपा कहती है हमारे पास फायदा हो रहा है, क्योंकि भाई जो एक गुस्सा था वो गुस्सा तो धीरे धीरे डाइल्यूट ही हो गया है। अब बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं होती कि क्या होना है क्या नहीं होना। यही स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि कंफ्यूज रखो। अगर आपने कोई एक डेजिग्नेशन दे दिया, कोई एक पोस्ट दे दी, आपने अपना स्टैंड बता दिया, तो पहले भी राहुल गांधी, आपको याद होगा मानेसर से लेकर अब तक, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कभी भी नहीं चाहते थे कि खुलकर कोई चीज ए बी सी डी की तरह कैटेगराइज हो। क्योंकि देखिए, आप अगर मानेसर से सबको लेकर आए तो जाहिर तौर पर आपके मंशा है कि आप उनको पार्टी में रखना चाहते हैं। आप ये देखिए कि किसी पर डिसिप्लिन एक्शन होना है, किसी के ऊपर कार्रवाई होनी है, कौन किन की बात कर रही हूँ, जो आज यहाँ नहीं है, महेश जोशी की बात कर रही हूँ मैं, शांति धारीवाल जैसे बड़े मंत्री की बात कर रही हूँ, धर्मेंद्र राठौड़ जिनको संकट मोचक हनुमान कहा जाता है उनका, गहलोत का, उन पर 5 सितंबर से लेकर अब तक कार्रवाई की तलवार लटक रही है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही जी। आप ये मजाक समझिए कि पार्टी फैसला लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं रखना चाहती, वो इस गुट को भी मनाना कार्रवाई तो मानेसर कांड में भी नहीं हो रही है। ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत बड़ी कार्रवाइयां किसी के खिलाफ कर दी गई हो। ये भी सच है। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से नरेश शर्मा जी जुड़ गए। नरेश जी, बहुत बेसिक सवाल है, क्या जिस तरीके से बैठक दर बैठक हुई या कहीं की तारीख पर तारीख मिलती गई, उससे राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं तक एक संदेश पहुंच गया कि भाई इधर उधर मत घूमिए, आप कांग्रेस के साथ जुड़े रहिए, फैसला हो सकता है अंतिम चरण में हो, आप एकजुट बने रहिए?
बिल्कुल विजेंद्र, आपके सवाल का जवाब दो से पहले एक छोटा सा अपडेट देता हूं कि जो मीटिंग है वो अंतिम चरण में चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अभी उनका भाषण चल रहा है, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे हैं, चाहे सरकार के कामकाज हो, चाहे संगठन से जुड़े हो, और किस तरह से सरकार आगे रिपीट हो सकती है उसको लेके, तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में अब अपनी बात रख रहे हैं। जी, जहां तक आपने सवाल किया कि कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश है, अदिति ने सही कहा कि कन्फ्यूजन की स्थिति है। अब कन्फ्यूजन जानबूझ के रखा जा रहा है या कन्फ्यूजन इसलिए है कि पार्टी फैसला करने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि अगर फैसला करते हैं तो उसके बाद तस्वीर साफ होती है, तो क्या आलाकमान नहीं चाहता कि फिलहाल तस्वीर साफ हो और जितना लंबा इस मसले को खींचा जा सके? क्योंकि जो मुद्दे हैं महत्वपूर्ण वो यही है। आज मीटिंग हो रही है चुनाव को लेके, लेकिन चर्चा ये कर रहे हैं लोग सचिन पायलट के बारे में क्या फैसला होगा, तो इसका मतलब उनके बारे में कुछ न कुछ तय होना है, उनकी भूमिका क्या होगी, लेकिन कब होगा तय ये पता नहीं है, कौन करेगा तय ये पता नहीं है। हालांकि ये जो मीटिंग हो रही है, इन मीटिंग के आधार पे जो भी फीडबैक आता है, फीडबैक के आधार पे क्या कोई फैसले ले पाएंगे? फैसले तो उदयपुर में भी हुए थे, मंथन हुआ था, चिंतन हुआ था, लंबा चौड़ा कागज़ भी मीडिया को जारी किया गया था कि इस तरह से कांग्रेस चलेगी, लेकिन उस पर हुआ कुछ नहीं था। प्रदेश में देख लें कि उस यहीं पर वो मंथन हुआ था, लेकिन इसके बावजूद न संगठन पूरी तरह से खड़ा हो पाया, न बयानों पे रोक लग पाई। अदिति ने अभी जिक्र किया था 25 सितंबर की घटना का, उसके बाद भी कई घटनाएं हुई है। राजेंद्र गुड़ा कहते हैं हमारे सरकार जो है वो बहुत भ्रष्ट है, एक मंत्री कहते हैं कि विधायकों में बनती नहीं है, आपस में झगड़ा, इसलिए काम जयपुर में नहीं होता, जयपुर के मंत्री कहते हैं जो सीनियर मंत्री के बारे में कि वो शायद बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके पार्टी फैसला ही नहीं कर पाती। जब प्रभारी से पूछते हैं तो कहते हैं कि मंत्रियों को कंट्रोल करना सीएम का काम है, मेरा काम सिर्फ संगठन से जुड़े मामले देखना है। तो आखिर करेगा कौन, आखिर होगा कब, आखिर मैसेज कब जाएगा? जब चुनाव में बहुत कम समय बच जाएगा, जब आपके पास करने को कुछ नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ सरकार की योजना की जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं विजेंद्र, क्या सिर्फ अशोक गहलोत का जो काम है सिर्फ उसी से ही पूरा चुनाव हो जाएगा? वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जी, वो एक पॉजिटिव फैक्टर है कि आपकी सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल अभी नजर नहीं आता जैसा मुख्यमंत्री दावे करते हैं एंटी इनकमेंसी का, लेकिन उसका फायदा कैसे लोगे, चुनाव में फायदा कैसे लोगे, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है, आपका संगठन कैसे मजबूत बनेगा, आपका बूथ का कार्यकर्ता कैसे मजबूत बनेगा, वो आपके वोट घरों से कैसे खींच के लाएगा, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे? भाई सारे के सारे दिग्गज नेता वहां बैठे हुए, उसके बावजूद ये फैसले नहीं होने लगता तो नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो बैठकें हैं विजेंद्र, आपको ध्यान होगा पहले भी हुई है, अजय माकन का मैंने जिक्र किया है, रंधावा का मैंने जिक्र किया है, तब भी बैठ के हुई है। रंधावा यहाँ फीडबैक लेके गए थे, रोज तारीख देते थे, अजय माकन रोज तारीख देते थे, इस तारीख को ये हो रहा है, इस तारीख को ये हो रहा है, आज तक जिलाध्यक्ष उनसे तय नहीं हो पा रहे, सचिव की सूची जारी करी उन्होंने आलाकमान को उनके ध्यान में लाए बिना जारी कर दी जो रुक गई। तो इस तरह के फैसले नहीं हो सकते जब आप चुनावी राज्य में प्रभार का काम कर रहे हैं, वहां पे आप रणनीति बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिनको फैसले लेने होते हैं वो खुलकर बोलते नहीं, और जो खुलकर बोलते हैं उनके हाथ में फैसले होते नहीं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अदिति दिल्ली से हमारे साथ बनी हुई है। अदिति भाई, 5-5 मिनट हर नेता बोला है वहां पर, तो कुछ तो बोला होगा, या सिर्फ सरकार की योजनाओं का बखान ही आलाकमान के सामने कर दिया गया, क्योंकि आलाकमान तो खुद अपनी रिपोर्ट लेकर बैठा है। क्या कुछ जो बार बार चर्चाएं चलती है कि भाई 100-100 सीटों का फॉर्मूला होगा, मंत्रिमंडल को लेकर कोई फॉर्मूला होगा, क्या उस पर कुछ मंथन वहां हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि 2 से लेकर 5 मिनट तक का सबको समय दिया गया है, सीनियर नेता 5 मिनट बोले, लेकिन ये आपके उसको जिसे बोलते हैं काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप 6 मिनट उसको लेके कैसे जाएं, डिपेंड करता है कि राहुल गांधी जब आपको सुन रहे हैं तो उनके एक्सप्रेशन क्या है, वो अपने मोबाइल पे तो नहीं है, इधर उधर तो नहीं है, आपको अपनी बातों में उतना वजन रखना होगा
तभी जाके आपको बोलने के मौके के समय को बढ़ाया जाएगा। तो 2 से 5 मिनट का समय सबको दिया गया। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें हो सकती है। पहला कि सरकार की योजनाओं से क्या क्या फायदा हो रहा है, दूसरा पिछले 5 महीने से क्या बदलाव हो रहा है, तीसरा कमियां क्या क्या है जो एक्चुअल में राहुल गांधी सुनना चाहते हैं, क्योंकि पिछले किसी एक बैठक में किसी ने सरकार की छत्तीसगढ़ में काफी तारीफ करी तो राहुल गांधी ने कहा कि आप सरकार का एडवर्टाइजमेंट बंद करेंगे उसके बाद बात आगे करेंगे। तो राहुल गांधी बेबाक है, यहाँ पर भी बोल सकते हैं, तो इसलिए शायद लॉजिकल बात यहाँ पर सुनने की कोशिश है। दीदी फिर आप ये बताइए कि वहाँ भाई 28 नेता है, उनमें से कितने नेता ऐसे हैं जो खुलकर ये बता पाए कि साहब राजस्थान में ये कमियां चल रही हैं और इन कमियों को सुधारने वाला कोई है नहीं और इसलिए आपके सामने खुलकर बोल रहे हैं? इतना खुलकर बोलने की हिम्मत है किसी में? देखिए कुछ लोग हैं इस बैठक में जो ये अपनी बात बताएंगे कि देखिए कमियां मतलब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कमियां तो कोई ये बता ही नहीं सकता कि सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कमियां रही हैं। उसमें तो यही होगा कि सरकार अपने चरम पर है, पीक पॉइंट पर है, बेस्ट है, लेकिन संगठन की नियुक्तियां नहीं है इसलिए कमजोरी है, हमारे पास नीचे कोई टीम नहीं है काम करने की क्योंकि ये वीक पॉइंट है, 4.5 साल में नियुक्तियां नहीं हो पाई, पीसीसी का गठन जो करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, लिस्ट अविनाश पांडे ने तैयारी करी, अजय माकन ने रोकी, अजय माकन ने नई लिस्ट बनाई, तो फिर जो ये जो पिक एंड चूज आज इस बैठक में हुआ वही लिस्टों में होता रहा, इसलिए कभी कोई फैसला नहीं हो पाया ना संगठन में। तो जो आपकी कमी रही, जो आपको आज कमजोरी भी दिख रही है, आपको लग रहा है कि शायद जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, यहाँ जीत सकते हैं नहीं जीत सकते, बहुत आसान है कह देना कि एमएलएज की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एमएलएज यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमारी एंटी इनकम्बेंसी इसलिए है क्योंकि हम अकेले काम करते रहे, और हम अकेले इसलिए करते रहे क्योंकि संगठन में कोई आदमी था ही नहीं काम करने के लिए, कोई ग्रास रूट पे लोग ही नहीं थे। दूसरी बड़ी बात है कि जब ये बात होती है करप्शन को लेकर जो सचिन पायलट ने मुद्दे उठाए थे तो सरकार की तरफ से, अशोक गहलोत की तरफ से या उनके संबंधित लोगों की तरफ से बात आई कि अगर हमने ढील दी भी है मान लीजिए विधायकों को मंत्रियों को, उसकी वजह यह थी कि हमारी सरकार 4 साल में कई बार सीसो कर रही थी, आज अल्पमत फिर बहुमत, आज अल्पमत, तो ऐसी स्थिति में सरकार को बनाए रखने में बीजेपी को फायदा ना पहुंचाने में हमें ढील देनी पड़ी है। तो देखिए आरोप तो यहाँ पर बहुत लग सकते हैं जो सीधे सीधे या इनडायरेक्टली आला कमान पर लग सकते हैं। इन आरोपों के अंदर तो फिर साफ साफ वही संदेश होगा कि भाई सरकार गिराने की कोशिश की गई, जबकि जो मानेसर गए थे उन्होंने कहा कि हमने तो सरकार से कभी बगावत की ही नहीं, हम तो मुद्दों के आधार पर गए थे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो अल्पमत में सरकार कैसे आई, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन वहां जो नेता हैं, मैं मानकर चल रहा हूं उनमें से वो नेता नहीं होंगे जो या तो अपनी सीट हार कर बैठे हैं या जिन सीटों पर बसपा के प्रत्याशी जीते हैं और वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के हैं या जिन सीटों पर निर्दलीय जीते हैं और वहां खुलकर वो काम कर रहे हैं और वहां संगठन के साथ उन हारे हुए विधायकों का भी दर्द ये होगा कि भाई हम कांग्रेस के हैं, बसपा वाले नहीं है, निर्दलीय नहीं है, बेशक उनका रूट कांग्रेस का रहा हो, तो वहां संगठन को कैसे मजबूत करेंगे, अपने प्रत्याशियों को कैसे मजबूत करेंगे, कोई ऐसा है वहां इस बात को उठाने वाला? पहली बात तो उस बैठक में राहुल गांधी है, दूसरी बात उस बैठक में अशोक गहलोत है और सचिन पायलट है। कोई भी व्यक्ति खुलकर न मानेसर न 25 सितंबर की घटना से संबंधित इम्पैक्ट की बात करेगा, सब यही करेंगे कि ऐसा कर देना चाहिए, बहुत अच्छा है, जीत कर आएंगे, थोड़ी कमियां हैं, लेकिन हरीश चौधरी वहां पर है जो सरकार पे सवाल उठा सकते हैं क्योंकि वो खुलकर वैसे भी उठा पाए, रघु शर्मा है जो बात उठा सकते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास है जो वहाँ बात उठा सकते हैं, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर बात बेबाकी से उठा सकते हैं, सीपी जोशी हैं जो बातों बातों में अपनी बात कह भी देते हैं चाहे फिर किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, तो ये तमाम वो लोग हैं जो अपनी बातें उठा सकते हैं, उनको शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे किसको कितना बुरा लगेगा। हरीश चौधरी राहुल गांधी से हाल ही में मिले हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, तो वो बेबाक तरीके से बता देंगे कि ये कमी है और इस वजह से हम सरकार नहीं आ रहे, भले ही हरीश चौधरी आज के सर्वे में खुद अपने इलाके में चुनाव हार रहे हों, लेकिन आपको एक अपडेट यहाँ पर दे दें कि बैठक खत्म हो चुकी है, हलचल यहाँ पर शुरू हो गई है, 2:30 बजे का समय था कि रंधावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तरफ होगी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी की हलचल शुरू हुई है ये जानकारी दी जा रही है, और अभी नरेश जी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री अब भाषण दे रहे हैं तो उसके बाद ये बैठक लास्ट लेग में थी, तो बैठक खत्म हो रही है। अब आपसे बात करते करते आप शायद तस्वीरों में नेताओं को देख भी पाएंगे और
सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम जिक्र कर रहे हैं कि खुल के बेबाकी से दो टूक कोई बात रखा है, ऐसे में बहुत चुनिंदा लोग हैं जो बात रखेंगे, वो हम आपको सबसे पहले फर्स्ट इंडिया को पहुंचा देंगे। लेकिन एक फीडबैक रिपोर्ट है, आधे तो इसलिए खुश हैं कि हम राहुल गांधी के सामने खड़े होकर अपना नाम बता के, अपने इलाके का नाम बता के कुछ बोल तो पाएंगे। इसी बात का दर्द बाकी बचे हुए जो जयपुर में रह गए या जो राजस्थान में रह गए उनको है कि भाई इस पिक एंड चूज में हम क्यों नहीं है, वो क्यों है, वो है तो वो क्यों है तो हम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे मंत्री नहीं है। फिर आपने सवाल किया था 100-100 सीटों का, हालांकि एक शगुफा है। मैंने उच्च स्तरीय कांग्रेस के नेता से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये एक शगुफा है, पायलट कह लें या अलग अलग समर्थकों का ये है कि ईस्ट वाला जो पार्ट है वो पायलट को दे दिया जाए, वेस्ट वाला जो पार्ट है जो अशोक गहलोत को दे दिया जाए। अब वेस्ट की चुनौती क्या है, हनुमान बेनीवाल चुनौती है, BTS चुनौती है, जाट वोट बैंक चुनौती है, जाट राजनीति वहां की चुनौती है, और फिर ईस्ट से इस बार सीटें आई थी, ईस्ट सचिन पायलट वो गुर्जर इलाका भी है, वहां पर ज्यादा कोई चुनौती नहीं है, वहां BJP वैसे ही बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, खासतौर पर भरतपुर और उस वाले संभाग में, और वहां पर ज्यादा से ज्यादा बसपा की चुनौती है, बसपा ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला, ये सच नहीं है फिर भी अगर ये फॉर्मूला हवा में भी है तो सवाल ये उठता है कि ये सीधा सीधा सवाल उठता है राहुल गांधी पे। राहुल गांधी कहते हैं कि विनेबिलिटी इज द ओनली क्राइटेरिया, राहुल गांधी कहते हैं कि केवल और केवल जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए, तो फिर आप ये 100-100 सीटें कैसे बांट सकते हो? आप एकजुटता की बात करते हो, आप प्रदेश को दो भाग में बांट रहे हो, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने कहा कि एकजुट होकर पूरे प्रदेश में लड़ेंगे, आपने 100-100 सीटें बांट दी, और फर्ज कीजिए कि बांट दी तो ये 100 सीटें सचिन तय करेंगे, ये 100 सीटें अशोक गहलोत तय करेंगे, तो एक बात बताइए आपके सचिव क्या करेंगे, वो क्यों जिले की चक्कर लगा रहे हैं, आपके प्रभारी क्या करेंगे, उनका फीडबैक क्या करेगा, और सबसे बड़ा सवाल केंद्रीय चुनाव समिति क्या करेगी जिसका हक है टिकट बांटने का फीडबैक के आधार पे। तो फिर ये तरह की बातें पे कांग्रेस आलाकमान पर सवाल उठता है, इसीलिए जरूरी है क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं विधायकों के मन में है कि क्या मैं ईस्ट वाली तरफ हूँ, क्या मैं वेस्ट वाली तरफ हूँ, अगर मैं ईस्ट वाली तरफ हूँ तो मेरे समीकरण सचिन पायलट से कैसे हैं, या मैं वेस्ट वाली तरफ हूँ तो मेरे समीकरण गहलोत से कैसे हैं। तो फिर वही नेताओं का तांता लगेगा एक घर के बाहर, कभी 8 सिविल लाइन्स लगेगा तो कभी सचिन पायलट के घर पे लगेगा, तो ये सारी बातें संगठन को जो है कमजोर करती हैं, इसका खंडन कम से कम प्रदेश अध्यक्ष या प्रभारी स्तर पर होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि एक बड़ा शगुफा हुआ कि संगठन जो फेरबदल है उस वो होगा, फेरबदल क्या, पूरे के पूरे जो 30 मंत्री आज यहाँ आएंगे वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। अब सवाल ये उठता है, और इसको बहुत जोरों शोरों से ये बात हुई, अब सवाल ये उठता है, पहला तो विजेंद्र 25 सितंबर को जो अजय माकन अपने आप को मैं दिल्ली हूँ कहते थे, वो आला कमान की चिट्ठी लेकर एक लाइन का प्रस्ताव साइन कराने आए, तब तो ज्यादातर विधायक 92 विधायक 102 विधायक नहीं पहुंचे बैठक में। कितना आसान होता कि आप 30 से कहते साइन कर दीजिए, इस्तीफे दे दीजिए, तो इसके सवाल ये उठता कि क्या वो आसानी से दे देते, फर्ज कीजिए दे भी देते तो वो 30 के 30 अपने इलाके में जाके क्या कहते कि मैं करप्ट था इसलिए, या मैंने काम अच्छा नहीं किया, या ये होता कि ये 30 ये तो वही शगुफाई है। मैं इसको संवैधानिक नजर से भी देखूं तो ये सही हो भी नहीं सकता और ये मुमकिन हो भी नहीं सकता, क्योंकि मिनिस्टर जो होते हैं मुख्यमंत्री के होते हैं। अब ये तो हो सकता है कि भाई मुख्यमंत्री ये कह दे कि आला कमान जब चाहे इस्तीफा ले लें, और वो मुख्यमंत्री कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन मंत्रियों के ऊपर तो पूरा अधिकार मुख्यमंत्री का है, इस्तीफा सौंपेंगे तो भी मुख्यमंत्री को, और अगर मंत्री बनेंगे तो भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, सलाह ली जा सकती है सिर्फ आला कमान की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जाम्पल दिया था, मैं दोबारा इससे देना चाहती हूँ क्योंकि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। विजेंद्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा, जैसे हाल ही में अजीत पवार या भाजपा के चक्रव्यूह में शरद पवार साहब फंस गए, और चक्रव्यूह उस चक्रव्यूह के चलते पूरा विपक्ष चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो चाहे वो देश का हो, इंतजार कर रहा है कि शरद पवार का क्या स्टैंड होगा। ठीक उसी तरह 4.5 साल से आलाकमान चक्रव्यूह में फंसा है, और वो तब फंसता है जब उसके पास डिसीजन लेने की पावर की कमी होती है, यानी आलाकमान अपने केंद्रीय स्तर पर मजबूत नहीं होता। मैंने कुछ देर पहले एक जिक्र किया था कि मोहनलाल सुखाड़िया को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनना था, तो दो विधायकों को छोड़ के, बरकतुल्ला को छोड़ के, एक और विधायक को छोड़ के, सारे के सारे
लोग गए इंदिरा गांधी के पास कि दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। सबने इसका खंडन किया, सबने मना किया। आखिरी में सबने कहा कि अगर ये दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसे में कांग्रेस का राजस्थान में अस्त हो जाएगा, सूरज का अस्त हो जाएगा कांग्रेस के। तो इंदिरा गांधी मुस्कुराई, मुंह पे हाथ रखे और कहती हैं कि सूरज अस्त के बाद ही सूरज उदय होता है। दूसरे दिन वापस से सुखाड़िया साहब मुख्यमंत्री बन गए। वो थी स्ट्रांग लीडरशिप, तय करना। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन रखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि गुजरों को भी नाराज ना किया जाए, सचिन समर्थकों को भी नाराज ना किया जाए, बीजेपी को भी कंफ्यूज छोड़ा जाए कि क्या करना है, और गहलोत समर्थकों को भी नाराज ना किया जाए, गहलोत को भी नाराज ना किया जाए। तो सबको मना के चलो, डिसीजन ही मत दो। या तो ये बात है, जिस दौर का जिक्र कर रहे हैं उस दौर में तो देश में नारे लगते थे कि भाई इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, ये नारे लगते थे उस दौर में। अब ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जिस दौर की आप भी बात करें कि आलाकमान चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंस गया, उस दौरान हिमाचल नहीं था, उस दौरान कर्नाटक नहीं था उनके पास, उस दौरान कांग्रेस नीचे की तरफ थी, अब कांग्रेस ऊपर की तरफ है और उनके पास है डिसीजन लेने के लिए। अब ताकत है कि भाई अगर कहीं से फंडिंग आनी है तो वो हिमाचल से आ जाएगी, कर्नाटक से आ जाएगी, तो वो डिसीजन लेने की स्थिति में वर्तमान में तो है। चक्रव्यूह तोड़ सकते हैं अगर चाहे तो। देखिए, फंडिंग में हिमाचल को अगर अलग भी कर दें तो प्रॉब्लम यही है कि राहुल गांधी की सोच कुछ और है, प्रियंका गांधी की सोच कुछ और है, डिसीजन लेने की पावर किसी और की है, मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच कुछ और है, और केसी वेणुगोपाल जो एक्चुअल में आज की तारीख में एग्जीक्यूशन लेवल पे सबसे पावरफुल है। मैं एक बार फिर कहूंगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के मामले में केसी वेणुगोपाल सबसे पावरफुल है, उनकी सोच कुछ और है। तो जब मल्टीपल सोच होती है तो इस तरह की स्थितियां होती हैं। और एक और बात, कांग्रेस कंफ्यूजन में रखना चाहती है, ये तो खुद राहुल गांधी, अभी तो एक बहुत ही उच्च स्तर पे राहुल गांधी के सर्कल से ये बात भी आई कि तीसरी लीडरशिप खोजना शुरू कर दो। सवाल ये उठता है कि राजनीति में लीडरशिप खोजी नहीं जाती है, आप अपने कैपेबिलिटी, अपने काम से और अपने पॉलिटिकल काम के तरीके से आप खुद इवॉल्व होते हो एक तरीके से। तो अब आप सेकंड लीडरशिप, थर्ड लीडरशिप, जो थर्ड क्राइटेरिया में आप ढूंढने में लग गए हो। सवाल यही है कि आज भी आप एकजुटता की तस्वीर, जो आप कह रहे हैं कि अब तो लोग भूल गए हैं, गिनना दे रहे हो, लेकिन अभी भी कार्यकर्ता वो बीच की तार पे चल रहे हैं कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं उनकी तरफ हूँ तो मिलेगी नहीं मिलेगी, जबकि आलाकमानी साहब कह चुका है विनेबिलिटी है, अपने अपने इलाकों में चले जाओ, जीत की तैयारी करो, सर्वे में जीत में आओगे तो मिल जाएगी। लेकिन फिर भी राजनीति दामन पीछा नहीं छोड़ती चुनाव में जब टिकट वितरण होता है। तो ऐसे में जो क्लैरिटी, देखिए आज का मुख्य उद्देश्य आज से नहीं, पहले दिन से तय था कि चुनाव के समीकरण और चुनाव की रणनीति और आगे की रणनीति पर तय है। लेकिन सवाल क्या उठ रहे थे, क्या मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल होगा, सवाल ये उठ रहे थे कि सचिन पायलट का अनाउंसमेंट होगा, सवाल ये उठ रहे थे कि अब क्या सबको अपना अपना काम डेजिग्नेशन कर दिया जाएगा। तो आलाकमान को ये भी समझना होगा कि आप जो अपना ये होमवर्क कर रहे हैं ना, वो करते रहिए, जरूरी है, लेकिन जो लोगों का, कार्यकर्ताओं की जो प्रॉब्लम है वो एड्रेस कीजिए। और कितना इंतजार होगा कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होने में जो है डिले हो रहा है, और कितना इंतजार करना पड़ेगा पीसीसी के लिए, और कितना इंतजार होगा संगठन के नियुक्ति के भराव के लिए, और कितना इंतजार। सवाल ये उठता है कि बैठकें जरूरी है, डायलॉग जरूरी है, बातचीत जरूरी है, जो आपने पहले कभी नहीं की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो से यात्रा से पहले तो कभी नहीं की ना, यही तो बात है कि उनके लिए एक परसेप्शन है कि राहुल गांधी और जनता के बीच में या उनके खुद के नेताओं के बीच में दूरी है। यही तो बात है कि असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा, मुद्दा कोई भी हो, घूम फिर के राहुल गांधी के वो बिस्किट वाली बात कर देते हैं, वो घूम फिर के जितने भी जो लोग छिटक के गए हुए कहते हैं राहुल गांधी सुनते ही नहीं है, चाहे उन्होंने अपनी इमेज बदलने भी की कोशिश की है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एड्रेस करनी पड़ेंगी। नियुक्तियां अगर रंधावा जिस दिन से प्रभारी बने हैं उस दिन से कह रहे हैं कि अब होगा। मैं खुद बता दूं, मैं यहीं पर उनकी बाइट लेती थी, वो ये कहते थे कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर कोई उस अनशन पे बैठ गया है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अभी तक कार्रवाई हुई नहीं हुई हो, मैं कार्रवाई करूंगा, इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन तीनों, जो तीनों लोग हैं, खासतौर पे दो बड़े मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़, जो आज यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो अगर वो होते तो वो तीनों अपना पक्ष रखते खुलकर, लेकिन शांति धारीवाल जब बोलते हैं तो बोलते हैं, धर्मेंद्र राठौड़ अगर अपनी कोई बात रखते तो रखते, पर वो नहीं रख पाए क्योंकि उन पर वो तलवार लटकती रही, क्लैरिटी नहीं हुई। और यही रंधावा ने कहा था कि अगर इनडिसिप्लिन
अपॉइंट किया है तो वो इस पे एक्शन लिया जाएगा। इन्हीं रंधावा ने कहा था कि संगठन की नियुक्तियां हो रही हैं, अगले 24 घंटे में हो रही हैं, और जिसका मैं खुद हॉर्सेस माउथ हूँ, मैं खुद बयान उनकी बाइट ले रही थी उस समय, मैं खुद उनसे इंटरव्यू कर रही थी। तो होना नहीं है, तो बात क्या है, विश्वास खत्म होता है कि हो रहा है, होगा होगा, तीन प्रभारी आके चले गए। और आपको एक खास बात बता दूं कि प्रभारी की तो शिकायतें भी आने लग गई हैं यहाँ पर कोषाध्यक्ष के पास, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, जबकि कोई ना कोई एक बैलेंस डिसीजन लेने की जरूरत है। मैं एक बार फिर कहूंगी कि क्रिटिसिज्म नहीं है, आज की जो बैठक का एजेंडा है उसके लिहाज से ये बैठक इंपॉर्टेंट है, जरूरी है चुनावी नजर से, और ये वही हो रही है जो होनी थी, जो छत्तीसगढ़ में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, मिजोरम में हुई। छत्तीसगढ़ में टीएस देव सिंह को एकदम साइडलाइन किया था, उनको मुख्य धारा में लाए हैं, और ये टीएस देव सिंह सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कभी आंख नहीं दिखाई और आप डिप्टी सीएम के लिए मान गए, जबकि उनको मुख्यमंत्री बनना था इस टेन्योर में, जिसकी सिफारिश सोनिया गांधी ने भी की थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो यही बात है, लेकिन प्रदेश के नेता मंत्री कार्यकर्ताओं की उम्मीद और ज्यादा है, कुछ और तस्वीर देखना चाहते हैं, जिसके लिए अब समय आ गया है कि खुलकर जो यहाँ के आलाकमान है वो खुलकर दे, जल्द से जल्द सचिन पायलट के प्लेसमेंट करना चाहिए। अदिति, देखते हैं भाई रंधावा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, वाकई